तो दोस्तों, भारत के गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इससे यूरोपीय देशों का दोहरा चेहरा निकल के सामने आया है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तुर्की ने अपने गेहूं में रुबेला वायरस का बहाना करके भारत का गेहूं लेने से इनकार कर दिया, ताकि भारत के गेहूं की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है उसको गिराया जा सके। और दोस्तों, इसका असर भी भारत के ट्रेड पर दिख रहा है। दरअसल जो तुर्की को हमने गेहूं बेचा था उसको बाद में खरीद लिया इजिप्ट ने, और जो हमारे कंटेनर शिप तुर्की से वापस लौट रहे थे वो चले गए इजिप्ट की साइड। परंतु दोस्तों, अब एक और खबर निकल के सामने आई है कि जो इजिप्ट है उसने अभी भारतीय गेहूं को रिजेक्ट कर दिया है और भारतीय गेहूं खरीदने से अब इजिप्ट ने भी इनकार कर दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार से जो भारतीय गेहूं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि है उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं भारत के अन्नदाता किसानों का अपमान किया जा रहा है। और आप सभी को मैं बता दूं कि पहले जो गेहूं इजिप्ट ने भारत से हंसते हंसते खरीद लिया था, आज उसी गेहूं को इजिप्ट ने भारत से लेने से इनकार कर दिया है। और पीछे कारण है तुर्की, और तुर्की समेत कई सारे कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जो कि ऐसा चाहते हैं कि भारत के गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो हो जाए खराब और भारत को अपना जो गेहूं है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम दामों में बेचना पड़े। क्योंकि दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो यूरोपीय देश हैं वो अपना गेहूं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 43 रुपए किलो के भाव से बेच रहे हैं, जबकि भारत का जो गेहूं है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। और जब भारत के गेहूं को अब घटिया और खराब क्वालिटी का करार दिया जाने लगा है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत के गेहूं की छवि और डाउन हो जाएगी, जिससे भारत के गेहूं का जो प्राइस है वो भी घट जाएगा। और दोस्तों, यही दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि जो आज भारत गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरी दुनिया भारत से गेहूं मांग रही है, उस गेहूं को घटिया क्वालिटी का बता दो ताकि भारत अपने गेहूं को ऊंची दामों पर सेल ना कर पाए। खैर दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और ऐसे देश जो भारत के गेहूं को घटिया बता रहे हैं, अब क्या भारत सरकार को ऐसे देशों को और गेहूं बेचना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।